जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात करेंगे आज उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद ने जो विज्ञप्ति निकाली है चिकित्सा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत उपचारिका यानी कि स्टाफ नर्स की, ठीक है, स्टाफ नर्स की, जिसमें कि पुरुष स्टाफ नर्स भी शामिल है, के पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे आपको। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ ऑनलाइन स्टडी यूके के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने पद हैं, ठीक है, टोटल कितने पद हैं, 1238 पद हैं। ये विज्ञप्ति पहले भी निकाली जा चुकी है। ठीक है, कुछ इसमें विरोध हुआ था तो उसे उन क्वालिफिकेशन वगैरह को हटा के दोबारा रिलीज करी गई है ये। ठीक है, 3 फरवरी को रिलीज करी गई है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्या करना है, या जिन्होंने भर दिया है एग्जाम उनका क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्म भर दिया है उनको दोबारा भरना पड़ेगा, क्या करना है। ठीक है, बने रहिए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले जो विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि है, 3 फरवरी को रिलीज हुआ है ये विज्ञापन। ठीक है, इसका जो पद नाम है उपचारिका स्टाफ नर्स है उत्तराखंड स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग में। ठीक है, और जो स्टाफ नर्स पुरुष और उपचारिका, ठीक है, इसके बाद जो इसकी जो वेबसाइट है जहां से हम फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो है ubter.in। ठीक है, या www.ubtrsn.in। ठीक है, ये वेबसाइट बनाई गई है जिनसे हम आसानी से फॉर्म भर सकते हैं अंदर जाके। ठीक है, तो 5 फरवरी इसकी डेट है, 5 फरवरी से शुक्रवार से इसको भर सकते हैं। ठीक है, और आवेदन ओपन हो जाएंगे, आवेदन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आवेदन जो वेबसाइट है आवेदन की हमने बता दी, ubtr.in है। ठीक है, इससे ऑनलाइन और नेट बैंकिंग जो आवेदन शुल्क है वो ऑनलाइन नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड वगैरह से पे कर सकते हैं फीस। और जो इसका जो फीस जमा करने की डेट है वो 4 मार्च 2021 है। ठीक है, 4 मार्च 2021 है। तो सबसे पहले जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर जो ऑनलाइन भरे हुए आवेदन को प्रिंट करने की जो डेट है वो है 5 मार्च 2021 तक अपने आवेदन आप प्रिंट कर सकते हैं फॉर्म भर के। ठीक है, जो ऑनलाइन स्क्रूटिंग के बाद के जो अस्वीकृत आवेदन, जो किसी कारणवश जो अस्वीकृत हो जाते हैं या आप क्वालिफाई नहीं है, तो आवेदन पत्रों को वहां पे अस्वीकृत को इस अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे 20 मार्च 2021 को। ठीक है, इसके बाद ये इसका निस्तारण आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो लिखित परीक्षा की इन्होंने डेट रखी है, जो आवेदन लिखित परीक्षा की डेट 5 अप्रैल 2021 रखी है, और जो आवेदन अस्वीकृत आवेदनों के निस्तारण के प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि, फिर आपको चांस देंगे कि अगर आपका किसी प्रमाण पत्र की वजह से अगर रिजेक्ट होता है फॉर्म, तो दोबारा 25 मार्च तक आप 5 दिन में इसे अपलोड करके दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखित परीक्षा की डेट इन्होंने रखी है 18 अप्रैल को। ठीक है, कितने, 18 अप्रैल को डेट इन्होंने 18 अप्रैल को रखी है। ठीक है, लिखित परीक्षा की डेट, काफी अच्छी पोस्टें हैं, काफी बहुत ज्यादा पोस्टें हैं इतने बल्क मात्रा में। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अब बात करें कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में फॉर्म भर दिया है, ठीक है, जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में फॉर्म भर दिया है वो अभ्यर्थी क्या करेंगे, ठीक है, जिन्होंने शुल्क जमा कर दिया और फॉर्म भर दिया है वो क्या करेंगे कि जो उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा संशोधन जो नियमावली है 2020 की, उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग जो अधीनस्थ नर्सिंग पत्रावली है 2021 वाली जो संशोधित है, ठीक है, जो 21 वाली क्वालिफिकेशन है, जो नया जीओ आया 21 का, तो उसके हिसाब से वो समस्त शर्तें पूर्ण करता हो। ठीक है, वो क्वालिफिकेशन क्या है हम अभी बताएंगे आपको नीचे। ठीक है, और जो अगर इस क्वालिफिकेशन को पूर्ण करता है, जो 21 वाले जीओ की, जो नए जीओ की अगर क्वालिफिकेशन पूरा करता है, तो वो क्या कर सकता है, इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। और जिसने कर दिया है अगर वो पूरा करता है तो उसे दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका जो पदनाम है उपचारिका स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स की जो वेतनमान है ये है 3800 है, जो ग्रेड पे 4600 है, जो काफी अच्छा ग्रेड पे माना जाता है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो आप इसमें तैयारी कर सकते हैं जम के। ठीक है, तो रिक्तियों की संख्या की बात करें तो रिक्तियों की कुल संख्या 1238 है। ठीक है, 1238 पोस्ट टोटल हैं, जिसमें से
ठीक है, जिसमें से स्टाफ नर्स महिला के लिए जो वुमेन के लिए है, वुमेन के लिए 80% है, 80% सीटें वुमेन के लिए होती हैं इसमें, ठीक है, 80% सीटें वुमेन के लिए, यानी कि 1238 पोस्टों में से 38 इसमें से 990 पोस्ट हैं, कितनी 990 पोस्ट हैं किसके लिए हैं, महिला स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है, स्टाफ नर्स महिला के लिए, ठीक है, जो आरक्षित हैं 80%, ठीक है, इसमें से सामान्य के लिए, सामान्य के लिए 475, 153 एससी के लिए, एसटी 29 हो गया, ओबीसी 108 और ईडब्ल्यूएस 95, टोटल मिला के 990 पोस्टें हैं महिला वर्ग में, ठीक है, महिला यानी कि उपचारिका स्टाफ नर्स, ठीक है। इसके बाद बात आती है स्टाफ नर्स पुरुष, स्टाफ नर्स पुरुष की बात करें तो कुल इसमें 1238 पदों में से 20% पद स्टाफ नर्स पुरुष के लिए आरक्षित हैं, 80% जो है महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो 20% की बात करें तो 20% 1238 में 248 पोस्ट हैं पुरुषों के लिए हैं, ठीक है, पुरुषों के लिए की गई हैं, जिसमें से जो अनरिजर्व है, जो सामान्य है 119 है, एससी है 40 पोस्ट हैं, एसटी 8 पोस्ट हैं, ओबीसी 28 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की 25 पोस्टें हैं, टोटल 248 पोस्ट हैं इसमें पुरुष नर्स के लिए, स्टाफ पुरुष नर्स के लिए हैं 1238 पोस्टों में से टोटल, ठीक है। जो पद का स्वरूप है अराजपत्रित है, जो शैक्षिक योग्यता की बात करें, जो शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी, तो शैक्षिक योग्यता उपचारिका स्टाफ नर्स पद है तो सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास क्या होना चाहिए, भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स, ठीक है, बीएससी ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग में, अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम में होना चाहिए, ठीक है, भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बेसिक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या ठीक है किसी भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल कैटेगरी एवं मिडवाइफरी मनोरोग, जो मनोरोग में विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, ये सारे जो होने चाहिए भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो क्वालिफिकेशन है, उत्तराखंड या भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरों और मनोरोग विज्ञान में पंजीकृत प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो इनमें, और हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो, हिंदी आनी चाहिए, ठीक है, तो इससे आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो अधिमानी अर्हता होती है, अधिमानी अर्हता एनसीसी और एनएसएस, आपको अगर आपने प्रादेशिक सेना में काम करा है तो 2, ठीक है, जो जब मार्क्स सेम हो जाते हैं तो उसमें अर्हता मिलती है। इसके बाद जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम आपका 200 अंकों की परीक्षा होगी, ठीक है, 200 अंकों की टोटल परीक्षा होगी, जिसमें 100 मार्क्स है, जिससे 100 मार्क्स में आपका जो 3 घंटे का पेपर होगा, 200 अंकों का 200 क्वेश्चन आपके होंगे, 200 प्रश्न आपके इसमें से होंगे, ठीक है, 200 अंक 3 घंटे में 200 प्रश्न होंगे, एक ही पाली में आपका एग्जाम होगा ये, ठीक है, एक ही पाली में एग्जाम होगा, और जो इसमें 1/4 ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी कि 0.25, ठीक है, 25 एक क्वेश्चन को गलत करने में माइनस होगा, ठीक है, तो 200 क्वेश्चन 200 अंकों का होगा। सिलेबस में क्या रहेगा, 2 प्रश्न पत्र होंगे, क्या 100 अंकों के, ठीक है, 100 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होंगे, और इसे आप देख सकते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र में आपका जो नर्सिंग पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, नर्सिंग पाठ्यक्रम में से आप उसमें से आपका आएगा, ठीक है, नर्सिंग पाठ्यक्रम में से आएगा, और जो द्वितीय पाठ्यक्रम होता है, द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, सेकंड प्रश्न पत्र आपका 100 मार्क्स का होगा वो भी, और जिसमें प्रत्येक 1 अंक का होगा, जिसका विभाजन निम्न अनुसार होगा, तो जो 100 अंकों की परीक्षा होगी, 100 अंकों की परीक्षा वो इस प्रकार से होगी, ठीक है, जैसे हिंदी व्याकरण होंगे जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, सामान्य ज्ञान एवं उत्तराखंड राज्य से संबंधित विषय के, उत्तराखंड जी के 30 मार्क्स की आएगी, सामान्य अध्ययन की 40 मार्क्स के आएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन में भी विभाजित कर दिया, इतना अच्छा कर दिया इन्होंने, इतिहास 5 का, भूगोल 5 का, सामान्य विज्ञान कंप्यूटर 5 का, अर्थशास्त्र 5 का, नागरिक शास्त्र 5 का,
और पर्यावरण प्रदूषण 3 का, खेलकूद 3 के और पुरस्कार 3 के, प्रतिदिन दिवस वगैरह जो डे वगैरह होते हैं वो 3 नंबर के, देश प्रदेशों की राजधानी 3 नंबर की। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्न जो बुकलेट होगी वो एक ही बुकलेट में होंगे और 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन ये होंगे, इनमें से डिवाइड हो गया 30 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी, ठीक है, 30 की आपकी उत्तराखंड जीके आएगी, बाकी 40 की आपका जनरल अध्ययन यानी कि सामान्य अध्ययन आएगा जिसमें इतिहास, भूगोल, अन्य जो स्टैटिक जीके होती है। तो आप इसकी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जनरल मिडवाइफरी का आपका जो सिलेबस होगा वो अपने आप कर सकते हैं, लेकिन जो जीएस वगैरह जीके के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें काफी आपको मदद मिलेगी और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं काफी वीडियो, ठीक है, इससे रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद जो आपका फीस ली जाएगी, ठीक है, आयु सीमा की बात करें, आयु सीमा 21 से 42 होनी चाहिए, ठीक है, 21 से 42 होनी चाहिए। जो आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2020 से ली जाएगी, ठीक है, आप 21 साल से 42 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें तो जो लोक सेवा के लिए होती है, लोक सेवा के लिए आचरण होता है, वो आचरण होना चाहिए आपका सही, उचित आचरण होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद बात करें, आगे बढ़ते हैं हम, तो ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा, ऑनलाइन आवेदन आप यूबीटीआर की वेबसाइट में जाएंगे, ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन के लिए हाउ टू हेयर अप्लाई क्लिक करेंगे उसमें, उसके बाद विज्ञापन आएगा, विज्ञापन पर आप दर्ज उसका एक दिशा निर्देश आएगा, उसको पढ़ के आप सावधानी पूर्वक रजिस्टर नाउ करें, ठीक है। रजिस्टर नाउ में से जाएंगे तो रजिस्टर नाउ में आपको फोटो होनी चाहिए, स्कैन फोटो आपके पास 20 KB से कम और 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, 20 से 50 KB के बीच में आपकी फोटो होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होगी जो, और जो हस्ताक्षर होंगे वो 10 से 20 KB के बीच में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपना फॉर्म का विवरण भरेंगे, फिर फॉर्म का विवरण भर के आप उसमें से आई एग्री करके क्लिक करके आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों के लिए जो शुल्क होगा वो ऑनलाइन कट जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन का भुगतान कर सकते हैं शुल्क का। इसके बाद जो बात आती है शुल्क की, शुल्क कितना होगा, शुल्क जो जिसने फॉर्म भर दिया है उसे अब फॉर्म नहीं भरना है, अगर वो इस दो नए जीओ के हिसाब से अगर क्वालिफिकेशन पूरा करता है तो नहीं भरेगा, ठीक है। अनारक्षित सामान्य ओबीसी के लिए 800 रुपये फीस है, ठीक है, जो अनुसूचित जाति और जो आरक्षित वर्ग है, जनजाति और जो EWS वगैरह है, उसके लिए 400 रुपये फीस यहाँ पे है, ठीक है। परीक्षा केंद्रों की बात करें, परीक्षा केंद्र यहाँ पे देहरादून और हल्द्वानी निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं भरने से पहले, जो अपलोड करने पड़ेंगे वेबसाइट में आपको, ठीक है, हाई स्कूल अंक तालिका, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट के दोनों प्रमाण पत्र अंक तालिका, हाई स्कूल इंटरमीडिएट से बाहर उत्तीर्ण करने का जो प्रमाण पत्र होगा वो, ठीक है, भारतीय नर्सिंग से संबंधित जो भी आपके क्वालिफिकेशन के हैं उनसे संबंधित, ठीक है, उत्तराखंड नर्सिंग का जो प्रमाण पत्र होगा उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, वर्तमान में केंद्र राज्य अधीन कार्यालय में कार्यरत होने का जो अनापत्ति प्रमाण पत्र होगा, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो, ठीक है, NOC लेनी पड़ेगी, आरक्षण से संबंधित आपके प्रमाण पत्र होने चाहिए, अधिमानी अर्हता का प्रमाण पत्र होना चाहिए और फोटो ID होनी चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड वगैरह। तो ये था, तो गाइज कैसा लगा सेशन वीडियो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऑनलाइन स्टडी ओके को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।